धारदार वस्तु से गाय पर हमला कर जख्मी किए जाने से नाराज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दुर्ग के मोहन नगर थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही इस तरह हरकत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार गौ माता के विरुद्ध कार्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में एक घटना की जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को मिली, जिसमें कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी जिहादी मानसिकता के आधार पर लोग बेजुबान गाय पर धारदार हथियार से हमला किए, जिसमें गाय पूरी तरह से घायल हो गई, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दुर्ग मोहन नगर थाने में ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह की घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में थाना प्रभारी और पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गौ माता को हथियार के द्वारा चोट आई है, तो उस पर अभी हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रही है। जैसे ही आरोपी का कोई क्लू मिलता है, आरोपी गिरफ्त होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। सब्जी मंडी के पास है, क्योंकि गौ हमारी हिंदू समाज के लिए माता है। उसके ऊपर घटना होना शर्मनाक बात है हिंदू समाज के लिए और उस अपराधी के लिए भी। तो हम चाहते हैं कि लगातार गौ माता के ऊपर घटना घट रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको अपराधी को सजा मिले। जय श्री राम। आपका परिचय देंगे? बलदाऊ साहू, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर सह संयोजक। कुछ जिहादी मानसिकता के लोग अपनी गंदगी फैलाना नहीं छोड़ रहे हैं। गौ माता से बिना मुंह के जानवर, जिसका हम पूजा पाठ करते हैं, माता मानते हैं, उसके ऊपर वार कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि खुला ना छोड़ा जाए, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने में सब कुछ ओके होगा तो हमारे साथ आके लड़ ले, या हमारे साथ औजार चला के दिखा दे उनकी अगर औकात होगी तो। तो ये जो माता के ऊपर जो कर रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी विषय में आज हम थाने आए थे और थाने में ज्ञापन दिए हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे गंदी मानसिकता, ऐसी गंदी सोच वालों को बाहर ना छोड़ा जाए। जय श्री राम। मैं सुनील वास्तव, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।